फ्रेंड्स, हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल एबीसी फ्लाई। आज ये ब्राउन वाला मांजे का हम रिव्यू करेंगे। तो आप शायद सोचेंगे कि ये ब्राउन वाला मांजा तो हमने कुछ दिन पहले ही दिए थे और ये ब्राउन वाला मांजे का रिव्यू में क्या बड़ी बात है। लेकिन बात ये है कि हमारा बहुत सारा एक्सपेरिमेंट के बाद पहले जो हम पूरा एक्रिल मांजा दिए थे वो था ये ब्राउन वाला मांजा। देखिए, इसलिए इस चरखी का सबसे नीचे हिस्से में ये मांजा लपेटा हुआ था और मेरा दोस्त ने भी बोला, मैंने भी इस पर सहमत दिया कि इस मांजे का एक रिव्यू तो बनता ही है क्योंकि ये हमारा हाथ का दिया हुआ पहले पूरा एक्रिल का मांजा है। और देखते रहिए, आज हम इस मांजे से ही पैच लड़वाएंगे। और एक चीज़ देखिए, बहुत सारा चैनल है यूट्यूब पे, जिसका कंटेंट बिल्कुल भी अच्छा नहीं है लेकिन फिर भी उसका सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा है, हमसे तो बहुत ही ज़्यादा है उसका, और हमारा तो अभी तक 50 भी नहीं बना। तो आपसे ये उम्मीद है कि आप लोग देखेंगे और आपको अच्छा लगने से आप ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और हमारा जो वीडियो है वो आप पूरा देखेंगे और हमको बहुत सारा प्यार देंगे। तो चलिए आज हम पतंगबाजी शुरू करते हैं। चरखी पे ब्राउन मांजा लपेट लिया है और थोड़ा ब्लू मांजा था पिछले दिन का, वो भी है, वो एकदम ही कम है, इसलिए इसके ऊपर ही हमने ब्राउन मांजा लपेट लिया है। हमारा पहले पतंग हमने उठा लिया है, देखिए ब्लू कलर का पतंग है। हाँ, थोड़ा धीमे पड़ चुका है, ये कोई बात नहीं। अंदर मत छा, अंदर मत छा। देखिए, पहले पतंग मैंने बहुत ही बुरी तरीके से कट गया, मतलब वो मेरा अंदर की ओर कर रहा था, हाथ की ओर दिखा रहा था और मैंने वो देखा नहीं, ना देख के खींच दिया, इसलिए मैंने कट गया। ये दूसरा पतंग मैंने पार कर लिया है, देखिए दूसरा पतंग हमारा जा रहा है पैच लड़वाने, वो ब्लैक एंड वाइट पतंग के साथ। हवा एकदम धीमा हो गया, देखिए कैसे मारा और चला गया। इधर लपेटने की कोशिश में है मेरा दोस्त, नहीं वो निकल गया। बहुत ही अच्छा पैच मेरा दोस्त ने खेला है, पर मैं ये कह सकता हूँ कि ये जितना अच्छा खेला है उससे खराब, बहुत ज़्यादा खराब खेला है वो, इसलिए कट गया वो। जो भी हो, हमने काट दिया। हवा एकदम नहीं है। हवा एकदम कम हो गया। हाथ बताया कल या देखिए कितना अच्छा पैच बन गया। हमने दो पतंग काट दिए हैं और ब्राउन मांजे से ही काटा है, फिर भी अभी तक हमने समझ नहीं पाया कि मांजा कैसा है, क्योंकि जो पैच हुआ पैच अच्छा पैच एक भी नहीं हुआ है। इसमें भी पन्नी का पतंग में एकदम हवा नहीं था, मैंने खींच दिया, फिर जब इधर उधर हो गया तब मैं स्टॉप करके दो बार थपकी मारी और वो निकल गया। सो इससे पता नहीं चलेगा, ये पीछे वाला जो पतंग है इससे पता चलेगा कि कैसे मांजा है, क्योंकि ये बहुत अच्छा एक प्लेयर है जो पीछे से पार करके आया है। तो देखता हूँ कैसे होता है ये पैच। मेरा दोस्त खेल रहा है अभी, ये देखिए ये खेल रहा है और हवा एकदम ढील है। देखिए वो नीचे से है, देखिए अंदर कर दिया,
लपेटने की कोशिश में है, लेकिन शायद हो गया है, शायद लपेट गया है। हाँ, अब उल्टा टर्न हो रहा है, खुल गया, उल्टा टर्न होके फिर खुल गया, उल्टा घूम के फिर खुल गया। जो भी है कोई बात नहीं, मतलब मंजा अच्छा ही है। हाँ, फिर से धीमे पड़ गया है। अच्छा, तुम देखिए मेरा दोस्त कितना बिहार में छाड़ी दे वाले। छिड़े गए ये वाह, कटे गए तू ये नहीं आए नहीं आए। जब देखिए वो कट गया। अब शायद मैं और वीडियो कर नहीं पाऊँगा, क्योंकि मेरा थोड़ा जाना है, एक काम है 10 मिनट के लिए, 10 मिनट के बाद फिर आऊँगा। लेकिन मैं चाह रहा था कि एक पैच और हो जाए, एक पैच और आपको दिखा पाए, क्योंकि हमारा पास ट्राइपॉड नहीं है, इसलिए अकेला के लिए पैच खेलना और वीडियो करना पॉसिबल नहीं है। इसलिए देखते हैं, अगर हो जाए 2 मिनट के अंदर तो देख के ही जाएंगे। वो पैच पड़ा नहीं, फंस गया, पैच फंस गया। बहुत गलत तरीके से फंस गया। एक जगह से तो फेलिस ना, कटे गए ये तरह को कटे गए। देखिए वो काट गया घुड़ी हम लोगों के साथ पूरा लपेट गया। ठीक है, हमको वीडियो बंद करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा सूता को लपेटना चाहिए। देखिए उस दिन तो मैंने वीडियो करने भूल गया था, आज देखिए वो जो पतंग है वो लपेट के ले आ रहा है। ये हमारा फास्ट मांजा था, तो बहुत ही अच्छा है हम लोगों का। चला आया पतंग, चला आया और वो भी चला आया। ये देखिए थोड़ा कैसा टाइप है ये पतंग का। कल बोल रहा था आपको कि एक नया टाइप का पतंग है, ये देखिए ये टाइप का पतंग आप शायद ही देखा होगा। ये मतलब कैसे उड़ाते हैं मालूम नहीं देखिए पतंग, और इसका पेपर भी प्लास्टिक और कैसे पेपर है, ट्रेसिंग पेपर का जैसा पेपर है। देखिए इसका इसका पेपर है, ये क्या पेपर कहते हैं मालूम नहीं, लेकिन ट्रेसिंग पेपर के जैसा पेपर है। पतंग अच्छा नहीं है, एकदम ही अच्छा नहीं है ये पतंग। हम कभी ख़राब वेदर रहेगा तो फिर उड़ा देंगे। तो चलिए आज और शायद ही उड़ा पाएंगे, क्योंकि शाम भी हो चुका है।